तो पुलिस का जो काम है वो पुलिस कर रही है। पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में शिकायत आ चुकी है और वो कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसी घटना सिर्फ एक शहर भर की नहीं है। बीजेपी के मुस्लिम समर्थकों पर हमले या धमकी की खबरें कई शहरों से आई हैं। आलम यह है कि कुशीनगर में तो बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने वाले मुस्लिम समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। उधर बीजेपी को वोट देने पर बदायूं में भी एक मुस्लिम परिवार की जान पर बनाई। देखिए, कुशीनगर के कटघरी गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब लखनऊ के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती बाबर की मौत हो गई। बाबर की मौत के बाद जब बाबर का शव गांव पहुंचा तो गुस्साए ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए और बाबा की अंतिम यात्रा में बीजेपी विधायक भी शामिल हुए। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए पूरे मारने वाले लोग। बाबर बीजेपी का समर्थक था और उसका कसूर बस इतना था कि 10 मार्च की बीजेपी की जीत पर उसने गांव में मिठाई बांटी थी, लिहाजा कट्टरपंथियों को बाबर की खुशियां नागवार गुजरी और उन्होंने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बाबर को आनन फानन में लखनऊ में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बदायूं में भी एक मुस्लिम परिवार को बीजेपी का समर्थन करना भारी पड़ गया है। बसौली कोतवाली के लक्ष्मीपुर गांव में रहने वाले शाहरुख सैफी और उनके परिवार को इसलिए धमकियां मिल रही हैं क्योंकि चुनाव में उनके परिवार ने बीजेपी को वोट दिया था। बरेली में भी एक मुस्लिम महिला को ससुराल वालों ने पिटाई कर घर से केवल इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि उसने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद की पार्टी को वोट दिया था। बारादरी थाना क्षेत्र की नजमा उजना के ससुराली जन समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। चुनाव में उन्होंने नजमा से सपा को वोट देने को कहा था लेकिन मोदी योगी की कार्यशैली से प्रभावित होकर नजमा ने बीजेपी को वोट दिया जिसकी कीमत उसे अब चुकानी पड़ रही है। योगी जी, मोदी जी, मुझे सिर्फ यही इंसाफ चाहिए कि आपने 3 तलाक बंद कर दिए तो मुझे जो धमकी दी गई है कि तेरी 3 तलाक होगी वो ना होए बस। बीजेपी का समर्थन करने वाली नजमा को उसके शौहर ने 3 तलाक की धमकी भी दी। हलाला और बहुविवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली शमीमा बेगम ने सपा विधायक पर संगीन आरोप लगाए। शमीमा बेगम का कहना है कि बीजेपी से प्रभावित होकर उन्होंने हलाला और बहुविवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई तो कट्टरपंथी उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। नहीं है, जितना देश के खिलाफ ये चीजें हो रही संभल में और मेरे खिलाफ तो हो रही, मेरी जान को तो खतरा बना हुआ ही है बहुत। मैं जैसे सुरक्षा में आई हूँ दिल्ली पुलिस की, शायद यूपी से मुझे सुरक्षा नहीं मिली। आज ये मुद्दा है कि देखिए, एक मैं इलेक्शन के टाइम मैंने नवाब इकबाल महमूद का खुल के विरोध किया था, ऑनलाइन काफ़ी मैसेज डाले थे, सुहेल ने भी देखे पढ़े और उनके कार्यकर्ताओं ने भी पढ़े और मैंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि आप लोगों को जनता वोट क्यों दे संभल की। शमीमा का आरोप है कि कट्टरपंथियों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और इन सब में सपा विधायक इकबाल महमूद कट्टरपंथियों की मदद कर रहे हैं। सपा विधायक इकबाल महमूद से भी जान का खतरा बताते हुए शमीमा ने सपा विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज किए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।